बजाए जा
सखियां और अरे दो सौ एक रुपए से
जैसे पितामह भीष्म की बातों को सुनकर के द्रौपदी जवाब दे रही है, बाबा कोई किसी का कुछ नहीं लगता, कोई किसी का कुछ नहीं लगता, ये केवल भ्रम की माला है। अरे जिसका नहीं जगत में कोई उसका ऊपर बाला है। सुन के बेन द्रौपदी जी ने जब वाणी अपनी भागी, अरे बाबा सर आपने कमेटी की तरफ से सारा 5 मिनट से साहब सुनिए गीत। अब तक गायक बंधु ने गीत सुनाए पर मेरा गीत सुनिए। हमारे समाज में बेटियों को बेटों से नीचा दर्जा दिया जाता है, जबकि उस बनाने वाले ने बेटा और बेटी को एक समान बनाया है। तो ऐसे एक माँ थी, उसके गर्भ में एक बेटी पल रही थी, उसके ससुराल वाले उस बेटी पर दबाव डालते हैं। वो माँ डॉक्टर साहब के पास सोनोग्राफी कराने के लिए पहुंच जाती, तो माँ कहने लगी, हे डॉक्टर साहब मेरा सोनोग्राफी कीजिए, पता लगाइए मेरे गर्भ में या बेटी है या फिर बेटा। तो देखिए आई डॉक्टर साहब सोनोग्राफी करते, कहने लगे आपके गर्भ में एक बेटी पल रही है। जैसे ही उस माँ ने बेटी का नाम सुना, वो माँ कहने लगी ऐसे मरवा दीजिए, मुझे कोई बेटी नहीं चाहिए। लेकिन वो छोटी सी जान नन्ही सी बेटी रो रो करके अपनी माँ से कह रही, और भैया जी तू कैसे कह रही सुनिएगा। कहाँ श्रोतागण बैठे रहे भैया, कह रही है क्या, अरे मत बने कसाई क्यों नहीं हाथ न दे। अरे सोनो
कवि लिख रहे हैं कैसे भैया? विमलेश चाहर करोड़ पुकार सुनिए बेटी की बने कसाई क्यों नहीं